वेलकम टू ईशानी वीडियोस। फिर लौटाई नागिन के आने वाले एपिसोड में राज और नंदिनी का आमना सामना होगा। राज अपने नाग रूप में और वहीं नागिन के रूप में रहेगी नंदिनी। अब यहाँ पर क्या नंदिनी पूरी तरह से सच्चाई बता पाएगी राज को, या फिर उसका यहाँ पर नाग वाला रूप पूरी तरह से हावी हो जाएगा राज के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ नंदिनी के ऊपर और भी कई सारे परेशानियां आने वाली है, जहां एक तरफ आनंद ठाकुर, दूसरी तरफ मोहिनी और उसके बाद में तीसरी तरफ यहां पर कोई और नहीं रागिनी। अब सबके सब उसके पीछे पड़े हैं। क्या नंदिनी यहां पर सबका सामना कर पाएगी? हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ एक और नया खतरा आने वाला है जो कि नंदिनी की मुसीबत और बढ़ा देगा। अब वो कौन है, चलिए हम आपको सब कुछ बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर राज के मन में भी अब उस नागिन को लेकर काफी ज्यादा बुरी बातें चल रही होंगी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो नागिन कोई और नहीं नंदिनी ही है। और वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट ये है कि अब रागिनी की तरफ से सबसे बड़ी चाल चली जाएगी। एक तरफ पूरी तरह से घर वालों को भड़काना नंदिनी के खिलाफ, वो भी राज के। अब राज के घर वाले नंदिनी से दूर रहने के हिदायत देने वाले हैं राज को। वहीं दूसरी तरफ राज अब उस नागिन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान होगा और यहाँ पर अपने साथ में अपने सामने रखी सारी चीजों को फेंकने लगेगा, जिससे कि वो अब इतने गुस्से में आ चुका है कि वो बॉक्सिंग बैग को भी काफी ज्यादा बुरी तरह से मारेगा। और उसके बाद में यहाँ पर वो पूरी तरह से प्रण लेगा कि मैं उस नागिन को नहीं छोड़ने वाला और वो नागिन जो भी है मैं उसको बड़े मालिक के सामने लाकर छोड़ूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आनंद ठाकुर का एक नया प्लान सामने आ रहा है। आनंद ठाकुर मारना चाहता है राज और नंदिनी को भी, क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे की जान इन दोनों के वजह से ही गई है। अब यहाँ पर राज और नंदिनी को मारने के लिए अब एक नया प्लान बनाया जा रहा है। अब प्लान के अंदर एक नई एंट्री होने वाली है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि वो एंट्री कौन है, तो चलिए हम आपको उसके बारे में थोड़ी हिंट दे देते हैं। आपको देखने को मिलने वाला है कि आनंद ठाकुर कुछ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोगों को बुलाएगा जो कि पूरी तरह से इतने खतरनाक होंगे कि अकेले सामना करना नागरानी शिवानी के काफी ज्यादा मुसीबत भरा होगा। लेकिन क्या नागरानी शिवानी इन सभी मुसीबतों का सामना कर पाएंगी, और क्या राज को यहाँ पर अपने सामने देखकर अपने दुश्मन के रूप में क्या करेगी नागरानी शिवानी? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि उनको भी पता चल सके आने वाले एपिसोड में क्या खास होने वाला है। और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।